हे भगवान, कभी भी किसी माँ बाप को ये दिन न देखने पड़े। नहीं नहीं, एक रास्ता है मेरे पास, अगर तुम मेरा साथ दो तो। रास्ता? कौन सा रास्ता? पापा को तंग मत करो, जाओ खेलो। इस गरीब बाप के पास इन्हें देने के लिए है ही क्या? ना ही अच्छा घर और ना ही अच्छी पढ़ाई, बस खुशी के यही दो तो पल है जो मैं दे सकता हूं। शंकर? हाँ। ठेकेदार आया आज? नहीं यार, अभी तक तो नहीं आया। यार शंकर, 100 रुपये दे दे यार, जैसे ठेकेदार पैसे देगा मैं तेरे वापिस कर दूंगा। कहाँ यार, मुझ पर 10 रुपये भी नहीं है, मैं तो खुद तुझसे मांगने वाला था आज। चल ठीक है यार। मम्मा मम्मा, पापा कब तक आएंगे? आ जाएंगे बेटा, आ जाएंगे। मम्मा आप झूठ बोल रहे हो। क्या बात है राम, आज बच के घर नहीं जाना? शंकर यार, मैं ठेकेदार का इंतजार कर रहा हूँ। अरे चल, आज ठेकेदार नहीं आएगा।
ये अनार क्या रेट? 200 रुपए किलो। ये सेब? सेब 150 रुपए। और केले? केले 60 रुपए दर्जन। लेके आयो बेटा अपने बच्चे के लिए चीची। ममता वो मेरा थैला लेके आना। ले बेटा ये आपके लिए। ठीक है जाओ मेरे बच्चों। और आपका? मैंने रास्ते में खा लिया था। मालूम है। लो बेटा ठेकेदार ने आपको पैसे दिए? नहीं बोल रहा था कि एक तो दिन में दे दूंगा। रितु के पापा? राशन वाले ने राशन देने से मना कर दिया। बोल रहा था पहले पुराना हिसाब चुकता करो फिर राशन दूंगा। ममता उसको बोल कि एक दो दिन और रुक जाए, जैसे ठेकेदार पैसे देगा मैं उसको सारा हिसाब चुकता कर दूंगा। ममता रात बहुत हो गई है, तुम भी सो जाओ। जो तुम्हारा हिसाब करते हैं। शंकर तुम भी आ जाओ। हाँ भी कितने हुए तुम्हारे? 6 दिहाड़ी 24। मालिक ये तो हजार कुछ और कर देते। काम करना है या नहीं? तेरे कितने हुए? मालिक 10 दिहाड़ी हो गई, 4,000 बन गए मालिक। मालिक कुछ और कर देते, घर का राशन भी लेके आना है मालिक। दयाराम काम तो तुम कुछ करता नहीं, पैसे मांगने में सबसे आगे, सारी की सारी ईंटें यहीं पड़ी हैं। मालिक मैं सारी ईंटें चढ़ा दूंगा, थोड़ा सा और कर देते मालिक। सारी ईंटें ऊपर चढ़ा दे और अपना हिसाब कर ले। ठीक है मालिक। दयाराम आजा, ठेकेदार तो गया। चला गया? हाँ।
भाई 400 समोसे दे दो। क्या बात है, आज आप बहुत देर से आए। हाँ, वो ठेकेदार आ गया था। अच्छा, ठेकेदार ने पैसे दिए? हाँ, ये लो। पापा पापा, चीजी चीजी। हाँ, लेके आयो बेटा। ये लो तुम्हारे लिए। ले, आज मैं तेरे लिए भी लेके आया हूं और अपने लिए भी। अखबार में खबर छपी, 5 साल की बच्ची को टोफी का झांसा देके उसका बलात्कार कर दिया और उसे जान से मार दिया। क्या? 5 साल की बच्ची? हे भगवान, क्या जमाना आ गया है। ये लो बेटा चॉकलेट, पार्लर पर आ जाना, आओ बैठो। क्या हुआ जी? कुछ नहीं, सो जाइए। चलो वहां खेलते हैं। कमला दीदी, जाओ सब गया है। ममता, तुझे पता चला क्या? राजेश के घर में कोई चोर घुस गया, उसकी लड़की के साथ बहुत गलत काम किया है और तो और उसे मार भी दिया। हे भगवान, क्या होगा इस दुनिया का। ममता, तू भी अपनी बेटियों का ख्याल रखा कर।
ममता, क्या बात, आज तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? राजेश की बेटी के साथ बलात्कार हो गया। क्या, राजेश की बेटी का बलात्कार? ममता चल उठ, पहले उनको पता लेके आते हैं। अकेली थी, वो घर में घुस गया और नारो दीदी नारो आपने थाने में रफ्ट लिखवानी थी। 2 दिन से चक्कर काट रहे हैं थाने के, पर हमारे गरीबों की कौन सुनता है। हे भगवान, कभी भी किसी माँ बाप को ये दिन ना देखने पड़े। अगर मेरी बेटियों के साथ ये सब कुछ हो गया मैं तो मर ही जाऊंगी। नहीं नहीं, मैं कभी अपनी बेटियों को ज्यादा ऐसा नहीं होने दूंगा। मतलब? एक रास्ता है मेरे पास, अगर तुम मेरा साथ दो तो हमारी बेटियों के साथ कभी ऐसा नहीं होगा। रास्ता? कौन सा रास्ता? जहर। जहर? हाँ जहर, कल जिंदगी का कड़वा जहर पीने से अच्छा आज हम सच्चाई का कड़वा जहर पी लें। ये आप क्या कह रहे हैं? ममता, क्या तुम भी यही चाहती हो कि जो कल राजेश की बेटियों के साथ हुआ वो कल हमारी बेटी के साथ भी ऐसा हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्या तुम मेरा साथ दोगी? जी हाँ, मैं तो हमेशा से आपके साथ ही हूँ। मालिक, साइकिल बेचनी थी मैंने, कितने पैसे मिल जाएंगे? साइकिल के 500 मिल जाएंगे। 500 रुपये? हाँ, पर मैंने तो इसको 3000 में खरीदा था। इससे ज्यादा नहीं मिलेंगे। चलो ठीक है, दे दो। चल भी छोड़ू साइकिल अंदर का। और ममता, ममता, पापा पापा, चीजी चीजी। हाँ हाँ बेटा, आज तुम्हारे लिए चीजी नहीं, आज तुम्हारे लिए सुंदर सुंदर कपड़े लेके आया हूँ बेटा। ममता तुम टूट गई तो मैं भी टूट जाऊंगा। ममता जा।
सुंदर लग रही है मेरी बेटी, बैठ जा। पापा कैसी लग रही है आपकी परी? बहुत सुंदर लग रही है मेरी परी, बैठ जा बेटे। ममता ममता ले आ खाना। पापा मेरी गुड़िया को भी खिलाओ, इसको भी भूख लगी है।